नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका इस अंधेरी रात में अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। और हम एक छत के ऊपर वीडियो शूट कर रहे हैं। ये आखिरी वीडियो होगा प्रॉफिट लॉस का, जिसमें हम कुछ मिसलेनियस सवाल ले रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे से सवाल जो कि पेपर में आ सकते हैं, जो कि अब तक नहीं आए हैं, तो कुछ अच्छे अच्छे से सवाल करेंगे। तो आप तैयार हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये है, मैं पढ़ रहा हूँ इस सवाल को, कि भाई मिट्ठू भाई रसगुल्ला बेचता है 15 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। रसगुल्ला फ्लोर यानी कि आटा और शुगर का बना हुआ है, जिसका अनुपात है 5:3। रेशियो प्राइस ऑफ शुगर, यानी कि अब पहले तो फ्लोर एंड शुगर का रेशियो था क्वांटिटी का, अब इन्होंने प्राइस में क्या किया, उल्टा कर दिया। तो ये कन्फ्यूजन भी कई बार हो जाती है, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ा करें आप, कि शुगर और फ्लोर का जो प्राइस है वो 7:3 है पर के जी। बहुत सारे मच्छर उड़ रहे हैं। अब वो 66 2/3% प्रॉफिट कमाता है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर, शुगर का प्राइस क्या होगा, ये वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे भाई यहाँ पे हमने लिख दिया, पहले ऐसा करते हैं, हम पहले आटा ले लेते हैं, FLOUR आटा, और इधर हमने ले लिया शुगर, चीनी। ठीक है, तो इसका जो रेशियो था वो था 5:3, ये था। ये किस चीज का रेशियो है, क्वांटिटी का रेशियो है। अगर हम प्राइस के रेशियो की बात करें तो प्राइस का रेशियो शुगर और फ्लोर का 7:3 है। अगर मैं फ्लोर और शुगर का निकालूं तो 3:7 होगा। बोलो, बात क्लियर है? इसका मतलब कि अगर मैं 5 किलो आटा लेता हूं, 3 किलो चीनी में अगर लेता हूं, तो मेरे पास 8 किलो रसगुल्ला बन के तैयार होगा। इसका मतलब हो गया, अगर मैं यही मान लूं कि मेरी आटा 3 रुपये प्रति किलो है, शुगर 7 रुपये प्रति किलो है, तो मेरे हिसाब से 8 किलो रसगुल्ला जो बन के तैयार होगा वो 15 और 7 और 3 21, यानी कि 36 रुपये का बन के तैयार होगा। बोलो, आप एक बात बताइए, 36 रुपये का बन के तैयार होगा, 15 रुपये में इसने रसगुल्ला बेचा था और इसे 66 2/3% का प्रॉफिट हुआ था। तो 66 2/3% का मतलब क्या है, 66 2/3% का मतलब है 2/3, यानी कि 3 पर 2 का प्रॉफिट हुआ था 5, 3 पर 2 का प्रॉफिट हुआ था यानी कि 5, और हमने बेचा कितने में था, 15 में। अगर 5 की वैल्यू 15 है तो 3 की कितनी होगी 9, यानी मैं ये कह सकता हूँ मुझे 1 किलो रसगुल्ला 9 रुपये में बन के तैयार हुआ था। अगर 1 किलो रसगुल्ला 9 रुपये में तैयार हुआ था, इसका मतलब 8 किलो रसगुल्ला कितने में होगा भाई, 8 × 9 = 72 में तैयार होगा। जबकि हमारे हिसाब से 8 किलो रसगुल्ला कितने में बन के तैयार हो रहा है, 36 में। हमने क्योंकि 3 रुपये और 7 रुपये को ही वास्तविक वैल्यू मान लिया था, इस वजह से हमारे हिसाब से 8 किलो रसगुल्ला 36 में बन के तैयार हो रहा था, जबकि वास्तविकता ये थी कि 8 × 72 का 1 किलो रसगुल्ला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं प्राइस को आधा ले रहा हूँ, प्राइस आधा आ रहा है भाई, 36 आ रहा है, सवाल में 72 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब शुगर 7 रुपये किलो नहीं है, 7 × 2 = 14 रुपये किलो है, आटा 3 रुपये किलो नहीं है, 6 रुपये किलो है। एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा कि 2017 में कुछ सवालों का कठिन आ जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि जो अब पहले कुछ भी पेपर में आया था मैं उसे पढ़ना छोड़ दूँ या वो अब मेरे काम का नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन भ्रम में मत जियो कि बस अब तो मैं वही सवाल पढ़ूंगा जो मुझसे होता नहीं। आपको क्या लगता है कि 100 के 100 सवाल वो आएंगे? आपको क्या लगता है कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपने पहले से पढ़ रखा होगा? तब आप जीवन में कभी पेपर नहीं निकाल सकते। तो आप इस चीज़ को इतना हाइप मत करो कि भाई पेपर बहुत कठिन आया था, अब तो मैं नॉर्मल कुछ पढ़ूंगा ही नहीं। आप देखो ना, आप खुद एक पेपर उठा लो, 17, 18, 19, 20, 21, 9 मार्च का कोई एक पेपर उठा लो, तो आपको पता लगेगा कि 55 सवाल तो ऐसे हैं जो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मुझे आते थे, और वो हमेशा ऐसा होगा चाहे दुनिया का कोई भी पेपर हो, सारे सवाल तो कठिन नहीं आ सकते, सारे सवाल ऐसे नहीं आ सकते कि जो आपने कभी ना पढ़े हो। फिर पढ़ाई करने का फ़ायदा क्या है, फिर तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए जब सारे सवाल वहीं देखने होंगे पहली बार। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब आपके काम का है, कोई सवाल सरल या कठिन नहीं है, कोई सवाल पे ऐसा टैग नहीं है कि ये सवाल बहुत आसान है और फ्री में आएगा या जो भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत सा सवाल लेते हैं। आप देखेंगे ये सवाल समझ गए होगे, उम्मीद करता हूँ, आसान ही था, अच्छा सवाल था। अगला सवाल बताने का पर्पज क्या, अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस सवाल का मतलब ये है कि हम कई बार
नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अन अकेडमी पर वेलकम करता हूँ। और मैं अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे एजुकेटर हूँ। वहाँ पे मेरे बहुत सारे लेसन्स डले हुए हैं और अभी नए लेसन्स आने वाले हैं अर्थमेटिक के, तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं और उन लेसन्स को देख सकते हैं। बाय। क्या करते हैं, जैसे सवाल ये कह रहा है कि भाई एक तिहाई वस्तुएँ 15% के लाभ पर, एक चौथाई वस्तुएँ 20% के लाभ पर और बची हुई को 24% के लाभ पर बेच दिया गया, तो हमें 62 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो वस्तु का CP बताओ। मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि हम क्या करते हैं, 1/3, 1/4 जैसे ही देखते हैं तो वहाँ पे हम 1200 मानना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नेट प्रॉफिट निकालूँ तो डायरेक्ट एक लाइन में मैं नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूँ इस सवाल में। भाई नेट प्रॉफिट होगा 1/3 को आपने कितने में बेचा है, 15% लाभ पर, प्लस 1/4 को आपने कितने में बेचा है, 20% लाभ। अब आप देखेंगे 4 × 3 = 7, 7/12 टोटल हो चुका है, तो 12 में 7 हो चुका है, बचा कितना, 5/12, और इस 5/12 को मैंने 24% प्रॉफिट पर बेचा है, यानी नेट प्रॉफिट आ गया 3 × 15 = 4 × 20 = 12 × 24, 20% नेट प्रॉफिट आ गया। सवाल में कह रहा है कि नेट प्रॉफिट 62 रुपये की है, यानी कि 20% ही 62 रुपये के बराबर है, तो 100% उसकी आर्टिकल की CP कितनी होगी, 310 रुपये, यही सवाल का उत्तर। तो ऐसा सवाल जब भी आता है हम अगला सवाल भी ऐसा ही लेंगे, क्योंकि आपको ये तरीका आना चाहिए और ये बहुत आसान रहता है। मैं बताऊंगा आपको कि आपको लग रहा था इस सवाल में हम एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं थी, इसमें तो आप एलिगेशन लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें 3 पार्ट हैं, लेकिन जहाँ पे 2 पार्ट होते हैं बच्चा तुरंत एलिगेशन लगा देता है, जबकि ज़रूरत नहीं है उस एलिगेशन की, वहाँ पे समझ पा रहे हैं बात को। हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा अच्छा नेट प्रॉफिट हमें निकालना, भाई 1/3 पार्ट पे 15% प्रॉफिट है, 1/4 पार्ट पे 20% प्रॉफिट है, बचे हुए 5/12 भाग पे 24% प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 20% आ गया, सवाल में वो 62 रुपीज दे रखा है, यानी कि 20% ही 62 रुपये है, तो 100% कितना होगा, 310 रुपये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार आपको वीडियो मिल रही है, उसकी वजह यह है कि मैं घर पे खाली हूँ, कोई काम कर नहीं सकता, तो सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं बहुत सारी वीडियोज बना रहा हूँ, नए नए कंसेप्ट पे वीडियो बना रहा हूँ। एक रिमाइंडर निकालने का LCM मेथड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अगली कुछ वीडियो में, आप देखेंगे। प्रॉफिट लॉस की ये आखिरी वीडियो है, अगर आपका कोई डाउट आता है, कुछ भी सवाल आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, ठीक है, या ग्रुप में पोस्ट करिए, तो अगली वीडियो में हम उसको एज ए डाउट ले सकते हैं, वरना रहेगा नहीं, इतना पढ़ने के बाद कंसेप्ट आपको आ जाना चाहिए, फिर कोई भी आप नया सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आप देखेंगे आपकी कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, यही सेम सवाल है, मुझे इसीलिए बताना था कि आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ सवाल को। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर बेच दी, 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर बेच दी और शेष वस्तुएं 20% लाभ पर बेच दी। अब ये कह रहा है कि इस सौदे में उसे कितना % लाभ हुआ, तो देखो कुछ नहीं करना, जब भी मैं नेट प्रॉफिट निकालने की बात आएगी तो नेट प्रॉफिट कितना होगा कि भाई 1/3 वस्तुएं 14 के लाभ पे, ठीक है, 3/5 वस्तुएं 17.5 यानी कि 35/2 के लाभ पे, बची कितनी भाई 5 × 3 = 9, 14/15 यानी कि 1/15 बच गई। मैं इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि 14/15 हो चुका है अब तक। अब 15 में अगर 14 हो चुका है तो बचा सिर्फ 1 है और 1/15 को इसने बेचा है 20% लाभ पर। अब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए थोड़ी सी, देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे ये 5 × 20 = 5 यानी कि ये 14/3 है और ये 4/3 है। अगर मैं 14/3 और 4/3 को जोड़ूंगा, आपको ट्रक की आवाज़ आ रही होगी, हम रोड पे ही शूट कर रहे हैं वीडियो, 14/3 और 4/3 अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18/3 यानी कि 6 हो जाएगा, 6 + 5 = 35, 7 = 21/2 10.5 = कितना आ गया, 16.5। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम एक लाइन में एटलीस्ट उत्तर निकाल पा रहे हैं, बोले हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, वो भी अगर हम दिमाग लगाते हैं तो शायद ना उतनी कैलकुलेशन करनी पड़े। ठीक है, अगला सवाल देख के जैसे आपको लगता है, ये मैं मिटा रहा हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बोलने की ज़रूरत है। अगला सवाल आप देख रहे हैं कि अगला सवाल देखने के बाद, ये आपकी कॉपी पे जो अगला सवाल है इसको देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो मैं एलिगेशन लगा दूंगा, जबकि ज़रूरत नहीं है। सवाल ये कह रहा है कि नंदलाल 20 दर्जन किताबें 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, 8 दर्जन को 10% लाभ पर बेच देता है,
शेष 12 दर्जन को 20% लाभ पर बेच देता है, तो कुल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। जब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि भाई इसने 8 किताबें 20 में से 10% प्रॉफिट पर बेच दी, यही है। और शेष 12 किताबें इसने 20 में से 12 किताबें इसने 20% लाभ पर बेच दी, तो 20 से 20 कट जाएगा और ये चार बार कट जाएगा, तो 12 और 4 16% नेट प्रॉफिट आ गया, खत्म बात। कोई हमें एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होगे और आपने इसको एक एज ए टाइप लिया होगा कि भाई इस तरीके का सवाल जब भी आता है चाहे वो चार बार कह दे, हमें कोई एलसीएम या कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे कुछ सवाल लेते हैं, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, ये बताना ज़रूरी था क्योंकि हर टाइप का एक सवाल एटलीस्ट आ जाए तब आप कर पाए, ठीक है। आगे बढ़े, इजाज़त है। अगला सवाल आप देख रहे हैं आपकी कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है, ये सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ पुस्तकें खरीदता है, यदि वह चार और अधिक पुस्तकें खरीद पाता, यदि उसे एक पुस्तक एक रुपये सस्ती पड़ रही होती, तो वो चार और पुस्तकें खरीद पाता, तो बताइए उसने कितनी पुस्तक खरीदी। इतनी सी बात बोला, 80 रुपये इन्वेस्ट की, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप मुझे बताओ कि खर्चा जो 80 रुपये है इसका नाम है खर्चा, ये खर्चा आ कैसे रहा है भाई? तो आपका जवाब होगा जी ये आ रहा है क्वांटिटी गुणा प्राइस, इसी से आ रहा है। जैसे हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम किया था और हमने कहा था स्पीड कम ज़्यादा होगी तो टाइम कम ज़्यादा लगेगा या ज़्यादा कम लगेगा, तो हम कैसे करते थे इन सवालों को? प्राइस में आप ये कह रहे हो कि एक रुपये का डिफरेंस आना चाहिए, आर्टिकल में आप कह रहे हो चार रुपये का डिफरेंस आना चाहिए, तो मैंने इधर तो लिख लिया प्राइस, इधर लिख लिया मैंने क्वांटिटी। प्राइस में एक रुपये का डिफरेंस है, एक मैंने लिख दिया और चार इधर लिख दिया। अब मुझे पता है या तो इस सवाल का उत्तर 4, 8 और 1, 2 हो सकता है, एक का गैप इधर हो सकता है, चार का उधर हो सकता है, तो हमें ये मिला कैसे? हमने इसको 2 से गुणा कर दी। ऐसा हम कब तक करते रहेंगे? जब तक कि हमें ये 80 रुपये खर्चा नहीं मिल जाएगा। तो अगर मैं इस 1 की 8 से गुणा करता हूँ और 2 की 4 से, तो आप पाएंगे कि अभी तो मुझे सिर्फ 8 रुपये मिल रहे हैं, जबकि मुझे चाहिए कितना? 80 रुपये चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से गुणा किया, 3 और 12, फिर मैंने इसको 4 से किया, 4 और 16, फिर मैंने 5 से किया तो ये 20। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं ये मान लूँ कि प्राइस 4 रुपये था और 20 वस्तुएँ आती थी, अब मैं ये मान लूँ कि अगर प्राइस 5 रुपये था तो 16 वस्तुएँ आती थी, तो इसने यही कहा है कि प्राइस अगर 1 रुपये सस्ता होता, यानी 5 से 4 होता, तो आर्टिकल 16 से 20 आते, यानी कि 4 ज़्यादा आते, चार ज़्यादा आते, आए नहीं है अभी। और इसने क्या पूछा सवाल में कि उसने कितने आर्टिकल खरीदे, तो जवाब हो जाएगा 16। उसने 5 के रेट से 16 खरीदे हैं, अगर प्राइस 1 रुपये कम हो जाता यानी 4 हो जाता तो वो 20 आर्टिकल खरीद पाता, ये सिर्फ बात उसकी कल्पनाओं में है, सच्चाई नहीं है। तो इससे हम चारों चीज़ें एक बार में निकाल सकते हैं कि अभी कितना खरीदता तब कितना खरीद पाता, अभी प्राइस कितना है तब प्राइस कितना होता, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही है एक तरीके से, और कब तक चलता रहेगा? जब तक कि खर्चा 80 रुपये नहीं आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है, अरे राम, आपके सामने एक सवाल कि भाई एक आदमी कुछ कुर्सियां खरीदना चाहता है जिसमें प्रत्येक की कीमत 200 रुपये है। ये मैं कुछ ऐसे सवाल ले रहा हूँ जो देखने में लगते हैं कि बहुत बड़े हैं लेकिन है नहीं। सेलर उसे इस प्रकार छूट उपलब्ध कराता है कि आदमियों को 12 कुर्सियां खरीदने पर 10 की तो कीमत देनी पड़ती है, बाकी 2 80 रुपये के हिसाब से देता है। तो ये पूछ रहा है कि भाई डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, या 200 रुपये की कुर्सी है और 10 तो उसने उतने में ही खरीदी हैं जितना मूल्य पड़ा था, यानी कि 200 में ही खरीदी हैं, लेकिन 2 कुर्सियाँ उसने 80 में खरीदी हैं, 80-80 के हिसाब से, तो आप मुझे बताओ कि एक कुर्सी पे उसको 120 रुपये का डिस्काउंट मिला है। अगर वो कितनी कुर्सियाँ खरीद रहा है, 12 कुर्सियाँ खरीद रहा है, तो उसको कायदे में रुपया देना चाहिए था 12 × 200, देना चाहिए था, नहीं बोलो देना चाहिए था, लेकिन उसने 2 कुर्सियों पे 120 के हिसाब से डिस्काउंट ले लिया, कह सकते हैं नहीं? तो आप पाएंगे कि 12 से 12 कट गया और 2 से 2, तो पता चल रहा है कि 100 रुपये पे 10 रुपये डिस्काउंट ले लिया, 10% डिस्काउंट।
तो देखो आप, मैं इसीलिए ये सवाल बताया कि आपको लगेगा कि कई बार सवाल बहुत बड़ा होता है, बहुत कैलकुलेशन करते रह जाते हैं जबकि ज़रूरत नहीं है, कि भाई मुझे पता है एक कुर्सी पे 200 मूल्य पड़ा था, 12 कुर्सियाँ थी तो 12 × 200 मूल्य हो गया, ठीक है। एक कुर्सी पे 120 की डिस्काउंट दी जा रही थी तो दो कुर्सियों पे कितनी दी जाएगी, 2 × 120, 2 से 2 कट गया, 12 से 12, 100 पे 10% डिस्काउंट आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जीरो ही रहने देते हैं, इसको एक नहीं लगाते, लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत सा सवाल लेते हैं। अब आपके सामने एक और सवाल है, बहुत अच्छा, ये मैं मिटा देता हूँ। सवाल ये है कि एक फल वाला 80 दर्जन केले 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। ये सवाल 2012 मेंस में आया था, अभी भी ऐसे सवाल आते हैं। मैं कैलकुलेशन के लिए इस सवाल को बता रहा हूँ कि एक फल वाला 80 दर्जन केले 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, ठीक है। इनमें से 12 दर्जन केले खराब हो जाते हैं और उनमें से 6 रुपये प्रति दर्जन उन्हें वो बेच देता है। जो 12 दर्जन खराब हो गए, ये लाया कितने का था भाई, 80 दर्जन 10 रुपये के हिसाब से लाया था और 12 दर्जन जो खराब हो गए वो 6 रुपये के हिसाब से बेच दिए, बाकी को ये 14 रुपये के हिसाब से बेच देता है। तो ये पूछ रहा है कि सौदे में कितना लाभ और हानि हुई। आप देखो बड़े आसान तरीके से कि भाई 80 दर्जन केले थे, 80 दर्जन 10 रुपये के हिसाब से लाया था। अब जो 12 दर्जन थे, 12 दर्जन वो इसने 6 रुपये के हिसाब से बेच दिए। आप मुझे बताओ, अगर ये 6 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, अगर ये 6 रुपये के हिसाब से बेच रहा है तो यानी कि इसको 4 रुपये का लॉस है या नहीं? और बाकी जितने भी बच गए, जितने कितने बच गए भाई, अगर मैं 12 दर्जन अलग ले लूँ तो 56 दर्जन भी हो गए, एक ही बात है। इनको भी ये 14 में बेच रहा है, 14 रुपये में, इनको भी ये 14 रुपये में बेच रहा है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप इस चीज़ को समझ पाओ कि इन 12 दर्जन पे जो लॉस कमाया 4 रुपये के हिसाब से 10 के लेके आया था, इन 12 दर्जन पे इसने फ़ायदा उठा लिया, यानी कि यहाँ तक नो प्रॉफिट नो लॉस है भाई। 12 दर्जन पे ये 4 रुपये का लॉस उठा रहा है, अगले 12 दर्जन पे 4 रुपये का फ़ायदा उठा रहा है, यानी यहाँ तक नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, हो गया नहीं। अब आपको पता है अगर 80 दर्जन 10 रुपये के हिसाब से लाया था तो 800 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी दोस्त इसकी, थी या नहीं? अब ये 56 दर्जन पे 4 रुपये का फ़ायदा उठा रहा है हर एक पे, तो 56 × 4 की इसको प्रॉफिट हो रही है, बोलो हो रही है नहीं? लेकिन हमसे तो प्रॉफिट परसेंट पूछिए और प्रॉफिट परसेंट 100 पे निकलती है, तो अगर मैं 8 से भाग कर दूं दोनों तरफ तो आप पाएंगे कि 100 पर इसे 28 रुपये का फ़ायदा, यानी कि 28% प्रॉफिट। ये मैंने कैलकुलेशन के लिए बताया कि हम क्या करते हैं, 12 की 6 से गुणा कर ली, फिर बचे हुए 68 की 14 से गुणा कर ली, बड़ा मुश्किल हो जाता है वो गुणा करना। तो आप समझिए, सवाल पूछने वाला ऐसा नहीं कि कुछ भी सवाल पूछेगा उठपटांग, अगर कुछ भी पूछता है तो आप सब आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट है। सवाल करना, अगर कल को कोई मुझे कह दे कि 1 2 3 4 5, मैं अभी सवाल लिख दूँ, ये भी एक सवाल है। सब लोग कहते हैं कि मैं कठिन सवाल कराता हूँ, कठिन सवाल तो ये भी है सब, 4 5 6 7 8 9 3 4 की पावर 129 है कि लास्ट के 5 डिजिट का सम बताना है, बता दीजिए आप। बहुत सिंपल सवाल है, नंबर सिस्टम का सवाल है, 4वीं सिलेबस में, 5वीं सिलेबस में, 6वीं सिलेबस में। इसका मतलब क्या, ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा? अगर पूछ लिया जाएगा तो कोई कर नहीं पाएगा। तो आप ये मत समझिए कि 2017 का पेपर ऐसा आ गया, आप तो पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है कि दिशा से आप भटक जाएं और आपका एक साल खराब हो जाए। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ नया पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि नया ना पढ़ें, मैं तो खुद नया पढ़ाने में यकीन रखता हूँ, लेकिन सब कुछ पढ़ें, सिर्फ नया ही ना पढ़ें, नया पुराना। जब भी पेपर का लेवल बढ़ता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम पिछले वाले को छोड़ दें। भाई आप अपनी एज में बड़े हो गए, आप 4 साल, ये थोड़ी ना आप अपने पुराने जीवन को छोड़ दोगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। आपको पुरानी चीज़ें भी साथ लेके चलनी पड़ेंगी और नई चीज़ें तो आप सीख ही रहे हैं, हर दिन सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, बात समझ पा रहे हैं? तो सवाल ये था कि 80 दर्जन 10 रुपये के हिसाब से लेके आया, 12 दर्जन 6 के हिसाब से बेचे, यानी 4 का लॉस खाया एक दर्जन पे, अगले 12 पे 4 का फ़ायदा उठा लिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया यहाँ तक। तो फिर फ़ायदा हुआ कितना, 56 दर्जन पे 4 के हिसाब से हुआ, 56 × 4, इन्वेस्टमेंट हमारी 80 × 10 800 रुपये थी, 100 पे निकाल दिया, कितना हो गया, 28%, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला बहुत अच्छा सवाल है, ये मिटा देते हैं।
सवाल ये कि द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि तीन वस्तुएं एबीसी, इनके एसपी का रेशियो दे रखा है 8:9:5, ठीक है। उसके बाद इनके लाभों का अनुपात दिया हुआ है 8:7:14, और ए का परसेंट प्रॉफिट दे रखा है 14.28%, बी की सीपी दे रखी है 400, ये सिर्फ घुमाने के लिए ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है आपसे कितनी होगी। मैंने लिख लिया, अभी तीन आर्टिकल हैं ए बी और सी, इनका एसपी का रेशियो कितना दे रखा है। अगर एसपी की बात करें तो एसपी का रेशियो है 8:9:5, ठीक है। अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, तो आपका जवाब होगा प्रॉफिट का रेशियो है 8:7:14। और जो ए का प्रॉफिट है, वो ए का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें सवाल में 14.28%। अगर मैं सिर्फ ए के प्रॉफिट की बात करता हूँ कि ए का प्रॉफिट कितना है, तो ए का प्रॉफिट दे रखा 14, देख पा रहे हैं ए का प्रॉफिट कितना है 14.28%। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है 14.28% का मतलब कितना होता है? 100/7, यानी कि 1/7। अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 1/7 इसका मतलब है। 1/7 का मतलब हुआ कि 7 पे 1 रुपये का प्रॉफिट है। अगर मैं 7 पे 1 रुपये का प्रॉफिट कमाऊंगा तो मैं कितने में बेचूंगा अपनी वस्तु को? तो आपका जवाब होगा 8 में, और मैंने बेचा कितने में? 8 में। यानी कि मैं ए की अगर सीपी की बात करूं तो ए की सीपी 7 है। बोलो, क्लियर है बात? अच्छा, अब हम बी का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आपको तो पता है ना कि प्रॉफिट का रेशियो है 8:7:14, प्रॉफिट परसेंट का रेशियो है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 8 की वैल्यू थी 1/7। अगर 8 की वैल्यू 1/7 है, 7 को उधर ले जाऊं, 8 को इधर ले जाऊं, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/8। बोलो, बात सही है कि नहीं? कर सकते हैं इस बात को? नहीं। तो अगर 7 की वैल्यू 1/8 है, यानी कि 8 पे 1 का लाभ है, तो कितने में बेचेंगे? 9 में। और बेचा कितने में? 9 में। तो बी की सीपी कितनी आ गई? 8। देखो कितना आसान है निकालने की, हम बहुत कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर 7 की वैल्यू 1/8 है और मुझे 14 की निकालनी है, तो डबल हो जाएगी। 1/8 को 2 से गुणा करूंगा, कितना होगा? 1/4। इसका भी आ गया 1/4 प्रॉफिट। 1/4 का मतलब कितना है कि 4 पे 1 का लाभ उठा रहा हूं, 4 का सामान खरीदा, 1 का लाभ 5 में बेच रहा हूं, बेचा कितने? 5 में। तो 4 आ गया इसका। अब हमारे पास प्रॉफिट यहां भी 1 का है, यहां भी 1 का है, यहां भी 1 का है। सीपी कितनी है? 8, 7, 15, 4, 19। मैं ये कह सकता हूं कि 19 पे मुझे 3 का प्रॉफिट। अगर मुझे 19 पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 पे कितने का होगा? 3/19 का। लेकिन परसेंट में 100 पे निकालते हैं तो 300/19%। बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं? शायद 15 point something उत्तर आ जाएगा, 15.74%। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एसपी का रेशियो था 8:9:5, प्रॉफिट का था 8:7:14, ए का प्रॉफिट दे रखा था 14.28%। मैंने बोला 14.28% का मतलब कितना है? 1/7, यानी कि 8 की वैल्यू 1/7 है। अगर 8 की वैल्यू 1/7 है, तो 7 की कितनी होगी? 1/8। ये भी देख लो कैसे निकाली। जैसे 8 की 1/7 है, तो 7 को इधर ले आएंगे, 8 को इधर ले जाएंगे, कितनी आ जाएगी? 7 की 1/8। 14 की कितनी आ जाएगी? 1/4। तो हमारे पास क्या आ गया? सबका प्रॉफिट फ्रैक्शन आ गया। 7 1/7 का मतलब 7 का सामान 8 में बिकेगा, 1/8 का मतलब 8 का सामान 9 में बिकेगा, 1/4 का मतलब 4 का सामान 5 में बिकेगा। तो टोटल कितनी होगी सीपी? 19। प्रॉफिट सब पे 1-1 का है, 3 का। 19 पे 3 का प्रॉफिट है, 1 पे कितने का होगा? 3/19 का। 100 पे 300/19 का। तो प्रॉफिट लॉस हमने बहुत लंबा चलाया, ठीक है। और इसके लिए गालियां भी पड़ती रही कि भाई एक वीक में एक वीडियो आया। अब आप देखेंगे इस वीक में आपको 7-8 वीडियो मिलेंगे, और भगवान से उम्मीद करता हूँ कि मैं लाइव आना शुरू करूँ, और मैं लाइव का सेटअप भी बना रहा हूँ, जिससे मैं 15-20 मिनट आके रोज़ लाइव कुछ नई चीज़ें पढ़ाता रहूँ, और जो जो वीडियो बनती रहें वो अपलोड होती रहें उस तरीके से, ठीक है। तो जिस वक्त मैंने पढ़ाया था, अगर कंपैरिजन की बात करें, जिस वक्त मैंने पढ़ाया था, उस वक्त कुछ भी लेवल नहीं था। मैंने मेन से पहले ही 36 या 40 वीडियो ज्योमेट्री की बनाई थी, ठीक है। तो किसी भी लेवल का कोई कंपैरिजन नहीं है। अब वही चीज़ें अगर मैं पढ़ाऊँगा, आप कोई किताब देख लीजिए, आप कोई फ़ोन देख लीजिए, अगर उसमें अपडेशन की ज़रूरत ना पड़े तो नया एडिशन आएगा कैसे? अगर आईफोन 4 में ही सब कुछ होता तो आईफोन 10 तो कभी आ ही नहीं पाता। हमारा दिमाग, आप खुद ये चीज़ नोटिस करते हो, जब आप एक बार कोई चीज़ पढ़ते हो और उसका नोट्स प्रिपेयर करते हो, तो आपको खुद लगता है कि यार इसमें कुछ कमी रह गई हमेशा। चाहे आप किसी रिलेशन में भी जाते हो तो भी आपको लगता है पहले वाले से यहाँ पे कुछ सुधार है, कुछ कमी रहेगी जिनको आप सुधारते हो। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप आज के इस सिनारियो से मेरी ज्योमेट्री की 9 महीने पहले की वीडियो कंपैरिजन करेंगे। इट्स नॉट सो गुड, ये अच्छी बात नहीं है,
ठीक है। तो जो भी चीज़ें नई हैं, नई ऐड हुई हैं, नई मेरे दिमाग में आई हैं, नए नए क्वेश्चन हैं, वो सब भी अभी हम करेंगे। मैंने तो आपको बोला था कि पेपर अभी टाइम पे नहीं होना है, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लगता है आप जल्दी करें तो आप खुद पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। बाकी मेरा जो वादा है वो रहेगा कि भाई मेरे को सिलेबस कंप्लीट कराना है, प्री से पहले कराना है। और सिलेबस कभी कंप्लीट होता नहीं एक तरीके से, वो तो चलता रहेगा। भाई आपको क्या लगता है कि मैंने ज्योमेट्री पढ़ा दी, फिर आप क्यों कह रहे कि भाई ज्योमेट्री में अभी और गुंजाइश है? वो गुंजाइश तो रहेगी रहेगी, मेंस के टाइम पे हम अलग तरीके के सवाल करेंगे। खुद मैं अगर दिन में सोचने बैठूं तो सुबह से शाम तक 800 नए सवाल सोच सकता हूं, और पेपर बनाने वाला भी तो वही कर रहा है, वो भी उसी तरीके के सवाल सोच रहा है। तो वो तो आता रहेगा अपडेशन होके। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ नहीं नहीं उससे कोई फ़र्क खैर पड़ता नहीं है, लोग कुछ भी कहें हमें अच्छा लगता है, दुनिया है, पब्लिक है, लोग कहते रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि फला फला टीचर या फला फला बंदा आपको गाली दे रहा है, तो मुझे लगता है कि यार हमारा कितना यूज हो रहा है, खुद के इंप्रेशन बनाने के लिए लोग हमारा यूज कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी होती है कि लोग अगर हमें गाली दे के अपना इंप्रेशन क्रिएट कर पा रहे हैं, तो मैं आज भी उनको कहता हूँ कि डायरेक्ट नाम लेके दो यार, मैं कभी कुछ नहीं कहने वाला। आप इनडायरेक्टली दोगे, बच्चा भी कन्फ्यूज रहता है, बताएं किसको दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि नाम लेके दो, बढ़िया इंप्रेशन बनाओ, अच्छा करो जीवन में। मैंने अच्छा किया, आप भी करो, ठीक है। भले किसी को गाली मार के आगे बढ़ो, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगाओ कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।